दोस्तों, हमने अभी तक मल्टीमीटर के बारे में जाना था कि मल्टीमीटर कई तरह के आते हैं। हमने कुछ टाइप के मल्टीमीटर्स के बारे में भी जाना था। आज हम जानेंगे एलसीआर के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये एलसीआर ये होता क्या है। एलसीआर हमको मल्टीमीटर में हमने देखा कि हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, हम करंट चेक कर लेंगे, हम रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं, हम बहुत सारे कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम चेक कर सकते थे। आज हम देखेंगे कि अब हमें कभी कभी होता है कि हमें रेजिस्टेंस अलग से देखना पड़ता है हाई एक्यूरेसी के साथ, या फिर कैपेसिटर की वैल्यू हमें चेक करनी होती है, या फिर हमें कोई इंडक्टर है उसकी वैल्यू हमें चेक करनी होती है। वो सब हम चेक करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है एलसीआर। एल से नापते हैं हम इंडक्टर, सी से नापते हैं हम कैपेसिटर, और आर से नापते हैं हम रेजिस्टेंस। तो क्या है, इससे हम तीनों चीज़ नाप सकते हैं। एल सी आर एल 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 मतलब के इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, और आर मतलब रेजिस्टेंस। ये सारे हम नाप पाते हैं। नॉर्मली जो एल सी आर आते हैं वो बेंच टॉप भी आते हैं, डेस्कटॉप भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, पर ये एक हैंडी एल सी आर है, यूज़ किया हुआ है, अच्छा एल सी आर है, बिल्कुल मल्टीमीटर जैसा ही है ये। आप देख ही रहे हैं, इसका मॉडल नंबर है LCR4070 और ये HTC का है। इसमें देखिए, अब ये सी की रेंज है, सारी माइक्रोफेरड तक आ गई। ये देखो, ये सारी माइक्रोफेरड, ये सी की रेंज आ गई, ये ओम आ गया, ये आर की रेंज आ गई, और ये एल की रेंज आ गई हेनरी में, क्योंकि कैपेसिटर की जो यूनिट है वो फेरड है, इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी है, और ओम की जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट है ओम। ये सारी हमारी रेंज कवर हो जाती हैं। तो इसमें वही बात है कि जिस हमें मतलब छोटे से शुरू करते हुए हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। देखो, रेजिस्टेंस जब हम नापेंगे तब हमें कुछ प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, हम इंडक्टर नापेंगे तब भी हमें कोई प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, हम कैपेसिटर नापेंगे तब हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वो भी ख़ास तौर पर जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को नापेंगे उस वैल्यूज़ को, तब हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और एक बात और कि जब भी हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नापें की वैल्यू नापें, तो उससे पहले हमें कैपेसिटर को डिस्चार्ज जरूर करना चाहिए। डिस्चार्ज का मतलब है कि उसको लोड लगा दो या उसके पिन शॉर्ट कर दो, ताकि उसकी उसमें कोई भी चार्ज ना रहे, वरना आपको झटका मिल सकता है और ये सर्किट डैमेज हो सकता है। अगर उसमें वोल्टेज है, कुछ चार्ज है, तो ये मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। तो आप जब भी कैपेसिटर को चेक करें तो उसमें आप डिस्चार्ज जरूर करें उसको। कैपेसिटर भी कई तरह के होते हैं, जो लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसमें पोलैरिटी रहती है, यानी कि जिन जिन में पोलैरिटी रहती है, टेंटलम कैपेसिटर है उसमें पोलैरिटी होती है, वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस पिन पे आप प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कैपेसिटर का प्लस देंगे, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कैपेसिटर का माइनस देंगे। उल्टा मत करना है इसमें, इसके ख़राब होने के चांसेस हैं। फिर आप बस, अगर आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है तो आप छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या वैल्यू है। ये ऑटो रेंजिंग नहीं है। ऑटो रेंजिंग में क्या होता है कि आपने खाली सी पर लगाया और ये अपने हिसाब से देखता है कि चलो इसकी वैल्यू नैनो फेरड में है, माइक्रो फेरड में है, पीको फेरड में है, किस में है इसकी वैल्यू, ये अपने आप देखता है। बट ये ऑटो रेंजिंग नहीं है, इसमें आप एक एक वैल्यू को धीरे 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 करके बढ़ाते रहना, जहाँ आपको वैल्यू लगे, स्टेबल वैल्यू मिल जाए। अगर रेंज से ऊपर होगी वैल्यू तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा, कोई वैल्यू शो नहीं होगी। ऐसे ही इंडक्टर में, जब आप इंडक्टर करें तो भी आप छोटा छोटा शुरू करें, ऐसे यहाँ को चलेगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस में जब शुरू करेंगे आप, यहाँ से छोटा वाला है, यहाँ से आप बड़े को इधर शुरू करेंगे। अब आगे थोड़ी नज़र डालते हैं इसके मैनुअल पे। ये दोस्तों इसका मैनुअल है, कैसे कैसे यूज़ होता है, देखो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। डिस्प्ले इसमें 199 तक है। कैपेसिटेंस जो इंडक्टेंस मेजर कर पाएगा ये 0.1 माइक्रो हेनरी से 20 माइक्रो हेनरी। कैपेसिटर नापेगा ये 0.1 पिको फेरड से 2000 माइक्रो फेरड। और रेजिस्टेंस नापेगा 0.01 ओम से 20 मेगा ओम। जीरो एडजस्ट कर सकते हैं हम इसमें। इसमें जो ये नॉब दी हुई है, ये जो नॉब है ना, ये वाली, ये जीरो एडजस्टमेंट की है, यानी कि मतलब कि हमारे कभी कभी क्या होता क्या है ना, कि हमारे जो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ लेकिन तब भी कुछ 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 वैल्यू यहाँ आती है, उसको हमें एडजस्ट करने के लिए हम ये इस नॉब को घुमाते हैं, और हमारी जब तक वैल्यू जीरो नहीं आ जाती तब तक हम उसको घुमाते रहते हैं। उसके लिए क्या करना है,
टू ऑप्टेन एक्यूरेट मेजरिंग वैल्यू परफॉर्म जीरो एडजस्टमेंट। क्या करना है, जो 20 नैनो फेरेड वाली जो सुई है, 20 नैनो फेरेड वाला जो पॉइंट है, 20 नैनो फेरेड ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर आप इसको लाएंगे, और लाने के बाद जो ऊपर का जो घुमा वाला है उसको घुमाएंगे और जीरो करेंगे जस्ट। अगर कहीं पर ओवर रेंज है तो एक दिखाएगा, यस अगर ओवर रेंज हो जाती है तो एक दिखाता, फिर अपना ऊपर ऊपर बढ़ाते रहो, रेंज ख़त्म हो जाएगी। बैटरी लो होएगी तो एक बैटरी का इंडिकेशन दिखाएगा, सैम्पलिंग रेट ये है इसका, ठीक है, वर्किंग टेम्परेचर, साइज हो गया, 9 वोल्ट की बैटरी सिंपल लगेगी इसमें, 150 घंटे चल सकती है, ये सब इसमें रेंज आ गया, रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी है इसमें, सेम ऐसे ही इसमें इंडक्टेंस की भी किस रेंज पे कितनी एक्यूरेसी मिलेगी वो बताया गया है। ये ऑपरेशन है, 20 नैनोफेरेड वाले पर आपको इसके जीरो एडजस्टमेंट करनी है, फिर आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये आपको मतलब थोड़े थोड़े समय बाद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच में हिल जाती है वैल्यूज, क्योंकि हर कंपोनेंट की अपने अपने टॉलरेंस है, अपने अपना डेटोरेशन है, क्या यानी कि उसकी वैल्यू कम बढ़ती होती रहती है, बढ़ती तो नहीं है, कमी होती रहती है। ये इसके मैनुअल का दूसरा पार्ट है, इसमें भी उस वैल्यूज को कैसे सेट देख चेक करना है वो सब बताया हुआ है। ये सब है, इंडक्टेंस मेजरमेंट हो गया, रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, ऑटो पावर ऑफ है इसमें, यानी कि अगर कोई मेजरमेंट नहीं होगा 20 मिनट तक ये अपने आप बंद हो जाएगा। मेंटेनेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसके साइड में जो ये है इसे निकाल के आप पीछे से निकाल सकते हैं, और बैटरी ही इसमें बदलनी होती है। हमारे मेंटेनेंस का, हमारा इन द सेंस के जो यूज़र है उसके मेंटेनेंस का इसमें सिर्फ बैटरी का ही काम होता है कि बैटरी को वो निकाल लेता है। आगे दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए कंपोनेंट के साथ, नई मशीन के साथ, नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। धन्यवाद।